नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको पेपर नवम का जो फर्स्ट यूनिट है उसका एक टॉपिक है बच्चों मापन। मापन के बारे में आज हम इसमें अध्ययन करेंगे। देखो क्या होता है मापन। मापन बच्चों संख्यात्मक मान को दर्शाता है। किसको? संख्यात्मक मान को दर्शाता है। अंकों को दर्शाने का जो कार्य करता है बच्चों वो कौन करता है? मापन करता है। तो मापन और एक शब्द और पढ़ा था बच्चों, मापन के बाद ही आता है आकलन। मापन में अंक दिए जाते हैं, आकलन में अंकों को अर्थ दिया जाता है। अंकों को क्या दिया जाता है? अर्थ दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम मापन की बात करें तो मापन बालक की संख्यात्मक उपलब्धि को दर्शाता है। उसकी संपूर्ण उपलब्धियों को अंकों में निर्धारित करता है। उसमें कितना गुणात्मक परिवर्तन आया, उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, उसकी सृजनात्मक बुद्धि कितनी है, उसमें अभिवृत्ति कौशल कितना विकसित हुआ है, इसको संख्या के माध्यम से दर्शाने का कार्य करता है बच्चों कौन? मापन करता है। तो मापन क्या है? किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि का पता लगाना है, किसी बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ इसका पता लगाना है, बच्चा कितना चिंतनशील है इसके बारे में पता लगाना है। ये सारी जानकारी हमें मापन के माध्यम से हो जाती है। इसी के साथ गिलफोर्ड महोदय ने तो यहाँ तक कहा बच्चों कि किसी भी बच्चे को तथ्यात्मक रूप प्रदान करना है, किसी भी वस्तु या व्यक्ति को तथ्यात्मक रूप प्रदान करने में मापन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मापन में बच्चों अंकों का होना आवश्यक है। आप जानते हैं कोई बच्चा 50 किलो का है, किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 100 है, किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 80 है। तो ये जो अंक आ रहे हैं ये ही क्या है बच्चों? मापन। तो किसी भी छात्र की उपलब्धि का आकलन अंकों के माध्यम से करने का कार्य करता है बच्चों कौन? मापन करता है। मापन संख्यात्मक बताता है जबकि मूल्यांकन न केवल संख्यात्मक बल्कि गुणात्मक जो भी विकास हुआ है बालक का उसके बारे में भी बताता है। तो मापन जो है वो मूल्यांकन और आकलन का ही एक हिस्सा माना जाता है। तो मापन बच्चों संख्यात्मक होता है, अंक प्रदान करता है, और आकलन जो है अंकों को अर्थ प्रदान करता है। जैसे किसी बच्चे के 100 में से 50 नंबर आते हैं तो वो बच्चों क्या है? मापन है। 50 अंक आने के बाद में दूसरे सेमेस्टर में उसके 60 नंबर आते हैं तो इसका मतलब है वो आकलन है। जब बच्चे की सभी उपलब्धियों का आकलन एक साथ किया जाता है तो वो कहलाता है बच्चों क्या? मूल्यांकन। क्या कहलाता है? मूल्यांकन। तो मैंने कुछ डेफिनेशंस आपके सामने रखी है, आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से जो बीएड सेकेंड ईयर के जो छात्र है उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा। तो देखिए बच्चों मापन क्या होता है, उनकी परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों की और मापन की क्या क्या विशेषताएं होती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो मापन क्या है? किसी वस्तु घटना आदि को नियमों के अनुसार आंकिक स्वरूप के रूप में अभिव्यक्त कर देना। जैसे मैं बोलती कि साइंस में 100 नंबर का पेपर है, उसमें 15 क्वेश्चन आएंगे और उसमें दो दो नंबर के क्वेश्चन होंगे, कि दो दो नंबरों को निर्धारित स्वरूप के आधार पर चाहे कोई भी वस्तु हो चाहे कोई भी घटना हो उसको नियमों के अनुसार अगर आंकिक स्वरूप दिया जाता है तो उसे बच्चों क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। उसके बाद देखिए स्टीवेंस मापन के बारे में क्या परिभाषा देते हैं बच्चों। किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार, कोई निश्चित नियम होता है और स्वीकृत नियम होना चाहिए, उसके अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना ही
मापन कहलाता है, ये कहा किसने? स्टीवेंसन। उसे तो एक बात तो हमें पता हो चल जाती है कि मापन में निश्चित और स्वीकृत नियमों के अनुसार काम करता है। मापन के अंदर वस्तुओं को अंक प्रदान किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कैंपबेल के अनुसार। कैंपबेल ने क्या कहा बच्चों? नियमों के अनुसार वस्तुओं और घटनाओं को प्रतीकों के रूप में, वस्तु और घटना का वर्णन नहीं करता ये, उसको केवल प्रतीकों के रूप में व्यक्त करे, उसी को कहते हैं बच्चों मापन। तो कैंपबेल ने कहा वस्तु और घटनाओं को प्रतीक रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है बच्चों? मापन कहलाता है। ये परिभाषा दी आपकी कैंपबेल साहब ने। फिर आती है बच्चों टायलर। टायलर साहब ने क्या कहा? किसी नियम के अनुसार आवंटन की प्रक्रिया कि कितना किसमें कर रहा है बच्चा, किसी नियम के अनुसार आवंटन की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। ये कहा बच्चों टायलर साहब ने। फिर आता है ब्रैडफील्ड और हेलम स्टेडगर ने कहा कि किसी घटना के विभिन्न आयाम, कोई भी घटना है, कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, उसके जो विभिन्न आयाम है उसको हमने क्या कर दिए? उसके प्रतीक निश्चित कर दिए, उसे ही हम मापन कहते हैं। ये कहा साहब ब्रैडफील्ड और हेलम स्टेडर ने कि किसी घटना के विभिन्न आयामों के लिए अगर प्रतीक निश्चित किए जाते हैं तो उसे हम बच्चों क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। उसके बाद आता है बच्चों गिलफोर्ड, जिसने बुद्धि के त्रि आयाम दिए। क्या दिए बच्चों? बुद्धि के त्रि आयाम दिए। गिलफोर्ड का बुद्धि में बहुत बड़ा योगदान है बच्चों। गिलफोर्ड ने सृजनात्मक बुद्धि की बात जो गिलफोर्ड ने कही, कौन सी बुद्धि? सृजनात्मकता का जो सबसे बड़ा जो विद्वान माना जाता है वो भी कौन माना जाता है? गिलफोर्ड साहब माने जाते हैं। और गिलफोर्ड ने कहा कि किसी वस्तु या घटना को तथ्यात्मक रूप से संख्या प्रदान की जाती है, किसी वस्तु या घटना को तथ्यात्मक रूप से संख्या प्रदान की जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? मापन कहते हैं। फिर आता है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के बारे में तो बच्चों समझ जानते ही हो। प्रथम मनोवैज्ञानिक, विश्व का प्रथम शिक्षा मनोविज्ञान का जो जनक है वो थॉर्नडाइक को माना जाता है। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम देने वाले कौन थे? थॉर्नडाइक साहब थे। 1920 में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी शिक्षा मनोविज्ञान, और शिक्षा मनोविज्ञान में थॉर्नडाइक का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो थॉर्नडाइक ने कहा जिसका कोई अस्तित्व है और अस्तित्व को किसमें? संख्या में हो, तो वो क्या कहलाता है बच्चों? मापन कहलाता है। ये थॉर्नडाइक ने कहा। थॉर्नडाइक ने कहा जिसका भी कोई अस्तित्व है, उसका अस्तित्व कुछ संख्या में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। उसके बाद आता है बच्चों वैसले के अनुसार। वैसले कहते हैं मूल्यांकन का वह अंग जिसकी मात्रा, अंक, प्रतिशत, माध्यम और माध्यांक में अगर व्यक्त किया गया है, मूल्यांकन का कोई भी हिस्सा जिसे अंक, प्रतिशत, माध्यम, माध्यिका इनमें अगर व्यक्त किया गया है तो मूल्यांकन का वह अंग क्या कहलाता है बच्चों? मापन कहलाता है। ये परिभाषा दी आपके वैसले साहब ने। फिर आता है बच्चों समरफील्ड। समरफील्ड ने कहा कि जो परिमाणात्मक भाग है वो मापन कहलाता है और मूल्यांकन द्वारा गुणात्मक निर्णय लिया जाता है। आपके समरफील्ड ने कहा है कि मापन के द्वारा हम मात्रात्मक निर्णय ले सकते हैं, जबकि मूल्यांकन के द्वारा हम गुणात्मक निर्णय ले सकते हैं। ये कहा आपके समरफील्ड साहब ने। आपने ये परिभाषाएं देखी बच्चों। पहली परिभाषा देखी स्टीवेंस ने। स्टीवेंस ने कहा कि निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक देना मापन है। कैंपबेल ने कहा नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना मापन है।
टायलर साहब ने कहा कि नियम के अनुसार आवंटन की प्रक्रिया मापन है। ब्रैडफील्ड और हेलम स्ट्रेटकर ने कहा किसी घटना के विभिन्न आयामों के लिए अगर प्रतीक निश्चित कर दिए जाए तो वो मापन है। गिलफोर्ड साहब कहते हैं किसी वस्तु या घटना को तथ्यात्मक रूप से संख्या प्रदान कर दी जाए वो क्या है बच्चों, मापन है। उसके बाद थॉर्नडाइक साहब ने कहा जिसका कोई अस्तित्व है और अस्तित्व को अगर हमने संख्या दे दी बच्चों तो वो क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। वेस्ले ने कहा मूल्यांकन का वह अंग जिसमें मात्रा, अंक, प्रतिशत, माध्य, माध्यांक में जिसको व्यक्त किया जाए बच्चों वो क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। समरफील्ड कहते हैं कि मापन परिमाणात्मक निर्णय देते हैं और मूल्यांकन गुणात्मक निर्णय प्रदान करती है। ठीक है, तो हमें एक चीज तो पता चल गई बच्चों, इन परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं कि मापन के निश्चित और स्वीकृत नियम होते हैं। वस्तु, व्यक्ति या जिसका भी संसार में अस्तित्व है अगर उसको अंक प्रदान करना है तो वो मापन के द्वारा किया जा सकता है। मापन के द्वारा परिमाणात्मक निर्णय लिए जा सकते हैं। मापन के द्वारा तथ्यात्मक रूप निश्चित किए जाते हैं। मापन के द्वारा किसी भी आयाम के प्रतीक निश्चित किए जाते हैं। वस्तु और घटनाओं को प्रतीक रूप में व्यक्त करने का काम जो है वो कौन करता है बच्चों, मापन करता है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम इस बात को कह सकते हैं और इनकी प्रकृति के बारे में जान सकते हैं कि मापन अंक देता है, मापन आंकिक स्वरूप प्रदान करता है, मापन परिमाणात्मक निर्णय देता है, मापन प्रतीक के रूप में अभिव्यक्त होता है, मापन केवल संख्यात्मक होता है। ये बात हम इन परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं। अब आती है बच्चों मापन की विशेषताएं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी बेनिफिशियल है बच्चों। तो देखिए विशेषताएं क्या है, संख्यात्मक ज्ञान होना आवश्यक। मापन अगर किसी भी चीज का करना है तो बच्चों संख्यात्मक ज्ञान होना आवश्यक है। ये किसने कहा बच्चों, ये कहा मापन के अंतर्गत अगर किसी निश्चित नियम के अनुसार मापन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, उस चीज का संख्यात्मक ज्ञान करना होगा कि बुद्धि लब्धि कहां से कहां तक होती है, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, माध्य कैसे निकाला जाता है, माध्यिका कैसे ज्ञात की जाती है, बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, इन सब के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। किसके लिए, मापन के लिए। ठीक है, दूसरी परिभाषा है एक आधुनिक प्रमाणीकृत विधि। आज बच्चों हमारी शैक्षिक उपलब्धि समझ लो, चाहे मानसिक बुद्धि का ज्ञान समझ लो, चाहे चिंतन स्तर का ज्ञान प्रदान प्राप्त करना है, बच्चे ने कितना अनुभव किया, कितना अधिगम किया, कितना व्यवहार परिवर्तन हुआ, ये सब हम मापन के माध्यम से ही पता करते हैं। जैसे हमें किसी बच्चे का पता चलता है कि उसके हिंदी में 20 मार्क्स आए हैं तो उसके आधार पर हम मूल्यांकन कर देते हैं क्या, कि वो बच्चा हिंदी में पढ़ने में अच्छा नहीं है। किसी बच्चे के गणित में नंबर कम आते हैं तो हम कह देते हैं कि ये बच्चा गणित में कमजोर है। आज जो हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसमें आधुनिक प्रमाणीकृत विधि के रूप में मापन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मापन के द्वारा मूल्यांकन संभव नहीं है। मूल्यांकन करना है तो बच्चे का मापन करना पड़ेगा, उसको अंक देना पड़ेगा, उसको प्रतीक रूप में अभिव्यक्त करना पड़ेगा, तो वो काम करता है आपका कौन बच्चों, मापन करता है। तो एक आधुनिक प्रमाणीकृत विधि है कौन, मापन, दूसरी परिभाषा। तीसरी परिभाषा है मूल्यांकन का अंग। आप जानते हैं बच्चों कि मूल्यांकन एक योगात्मक आकलन है, मूल्यांकन जीवन का संपूर्ण आकलन है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है
और मूल्यांकन अगर किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का करना है बच्चों, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मापन करना पड़ेगा। मापन के बिना मूल्यांकन नहीं किया जा सकता बच्चों, तो मूल्यांकन का एक अंग माना जाता है। उस अंक को मूल्य देता है मूल्यांकन, लेकिन उसको अंक देता है कौन, मापन देता है। तो मूल्यांकन के अंग के रूप में कार्य करता है कौन, मूल्यांकन। उसके बाद आता है वस्तु की मात्रा कितनी है, वस्तु की मात्रा कितनी है, ये इसका अध्ययन करने का कार्य कौन करता है बच्चों, मापन करता है। वो कैसे बच्चों, बच्चे के कितने प्रतिशत आए, बच्चा बाकी बच्चों से कितना अच्छा है, कितना कम कर रहा है, कक्षा में कितने बालक कम सीख पा रहे हैं, कितने बालक प्रतिभाशाली है, तो ये सब क्या है, उनका मात्रा। अगर मात्रा नहीं हो तो बच्चों किसी भी बच्चे का हम आकलन नहीं कर सकते और किसी भी बच्चे का मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो आंकड़ों का संग्रह करता है मापन, उसको संख्या देता है मापन, उसको अंक देता है मापन। ठीक है बच्चों, तो क्या समझ में आया, वस्तु की मात्रा कितनी है इसका अध्ययन करता है कौन, मापन। फिर आता है आंकड़ों के प्रयोग से मात्रात्मक माप सिद्ध। आप सब जानते हैं बच्चों कि मापन करना है तो डेटा होना चाहिए, मूल्यांकन करना है तो डेटा होना चाहिए। तो आप सब जानते हैं कि मापन के लिए आंकड़े उपलब्ध होना आवश्यक है। तो आंकड़ों के प्रयोग से मात्रात्मक माप क्या हो जाता है, शीघ्र। अगर मापन अच्छा करना है, जल्दी करना है, निश्चित नियमों के अनुसार करना है बच्चों, तो आंकड़ों के प्रयोग से मात्रात्मक माप क्या हो सकता है, शीघ्र हो जाता है। उसके बाद आता है बच्चों मापन आंकिक स्वरूप प्रदान करता है। जैसे किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 1 होती है, किसी बच्चे की मानसिक आयु 10 वर्ष है, किसी बच्चे की वास्तविक आयु 12 है, किसी बच्चे के 70% आए हैं, वो बच्चा 50 किलो का वेट उठा सकता है, वो बच्चा 4 किलोमीटर तक इतने मिनट में दौड़ सकता है, इसके अलावा वह बच्चा 80 नंबर लेकर के आया है, वो बच्चा 20 नंबर लेकर के आया है। तो इस प्रकार आंकिक स्वरूप प्रदान करता है कौन बच्चों, मापन प्रदान करता है। मापन किसी भी वस्तु को आंकिक स्वरूप प्रदान करता है। उसके बाद आता है बच्चों 7वां है आपका मूल्यांकन में सहायक। आप सब जानते हैं बच्चों किसी भी वस्तु व्यक्ति का अगर मूल्यांकन करना है तो उसका मापन करना पड़ेगा। बिना मापन के आप मूल्यांकन नहीं कर सकते, बिना आंकड़ों के प्रयोग से आप मूल्यांकन नहीं कर सकते, बिना किसी निश्चित नियम के आप मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो मूल्यांकन में मापन का महत्वपूर्ण योगदान है। मापन आंशिक है, सूक्ष्म है, लेकिन इसका योगदान बहुत बड़ा है। मूल्यांकन मापन के बिना नहीं किया जा सकता बच्चों, तो मूल्यांकन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। किसका, मूल्यांकन, सॉरी मापन का। उसके बाद आता है निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं। मात्रात्मक जो आकलन किया जाता है और जो अंक दिए जाते हैं वो निरपेक्ष शून्य कभी नहीं होता है। मापन में कभी भी निरपेक्ष शून्य बिंदु का प्रयोग नहीं होता है बच्चों। उसके बाद आता है अनंतता की स्थिति। अनंतता की स्थिति का मतलब है कि मापन जो किया जाता है वो अनंतता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। बच्चे की हर प्रकार की शैक्षिक उपलब्धियों का हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। हर चीज, हर वस्तु जिसका अस्तित्व इस संसार में है, जिसको थांडाइट ने कहा, और जिसका अस्तित्व संख्या में हो, उन सब का आकलन जो है, उन सब को
संख्यात्मक स्थिति प्रदान करने का कार्य बच्चों कौन करता है? मापन करता है। तो मन अनंतता की स्थिति में रहता है। आंकिक वर्णन शुद्धता के साथ, आप जानते हो मापन एक आधुनिक प्रमाणीकृत विधि है जो निश्चित नियम और स्वीकृत नियमों के अनुसार अंक प्रदान करती है। तो आंकिक जो भी दिया जाएगा, जो भी अंक बच्चे को दिए जाते हैं, उसमें शुद्धता होती है, वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है। तो मापन का जो आकलन किया जाता है वो क्या होता है? शुद्धता के साथ बच्चे को आंकिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। तो आंकिक वर्णन शुद्धता के साथ होता है, इसमें मापन में। उसके बाद आता है किसी उपयुक्त माध्यम की आवश्यकता। आप सब जानते हैं बच्चों, अगर मापन करना है तो माध्यम चाहिए कि किलोग्राम में अभिव्यक्त करना है, प्रतिशत में करना है, माध्य में करना है, माध्यांक में व्यक्त करना है, किस रूप में व्यक्त करना है, इसके लिए आपको एक माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। तो मापन करने के लिए बच्चों माध्यम की आवश्यकता होती है। ये आपने विशेषताएं पढ़ी। विशेषताओं में पहला है बच्चों संख्यात्मक ज्ञान होना आवश्यक है मापन के लिए। मापन एक आधुनिक प्रमाणीकृत विधि है। मापन मूल्यांकन का एक अंग है। मापन में वस्तु की मात्रा कितनी है इसका अध्ययन किया जाता है। मापन में आंकड़ों के प्रयोग से गुणात्मक माप शीघ्र हो जाता है। मापन आंकिक स्वरूप प्रदान करता है। मूल्यांकन में सहायक है। इसमें निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं होता है। मापन में अनंतता की स्थिति बनी रहती है कि छात्र की समस्त शैक्षिक उपलब्धियों का अंकन हम मापन के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद आता है मापन में आंकिक वर्णन शुद्धता के साथ किया जाता है और किसी उपयुक्त माध्यम की इसमें आवश्यकता होती है। ये आपने बच्चों मापन की परिभाषाएं देखी। मापन का अर्थ मैंने आपको बताया, किसी वस्तु का संख्यात्मक आकलन करना ही क्या कहलाता है? आकलन मापन कहलाता है। मापन क्या है? बच्चा कितना चिंतनशील है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को कितना उपयोग में लिया गया है, छात्र की शैक्षिक उपलब्धि कितनी है, छात्र की मानसिक आयु कितनी है, छात्र की शारीरिक क्षमता कितनी है, छात्र का सामाजिक उपलब्धि कितनी है। तो ये सारी चीजें जो है अगर हम अंकों के माध्यम से करते हैं बच्चों, तो उसी को हम कहते हैं मापन। मापन का थोड़ा सा विस्तृत रूप है आकलन, और आकलन का बड़ा रूप है बच्चों मूल्यांकन, जिसमें मापन और आकलन दोनों को समाहित किया जाता है। मापन एक छोटा रूप है जबकि मूल्यांकन एक बहुत बड़ा रूप है। मापन संख्यात्मक रूप प्रदान करता है जबकि मूल्यांकन शिक्षा को गुणात्मक स्वरूप प्रदान करता है। छात्र की सभी उपलब्धियों का आकलन हम मापन के माध्यम से नहीं कर सकते। छात्र की कई ऐसी उपलब्धियां होती है जिनका आकलन हम मूल्यांकन के माध्यम से ही कर सकते हैं। मूल्यांकन एक योगात्मक आकलन है जबकि मापन एक प्रमाणीकृत विधि के रूप में कार्य करती है। तो आज आपने बच्चों मापन का अर्थ, परिभाषाएं और विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। आप सबको कॉपी में इनका अर्थ और परिभाषाएं और विशेषताओं को लिखना है, और इसको अगर मेरे मापन को पूरा समझना है तो आप मेरे पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझे और कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। बीएड सेकंड ईयर के जो छात्र हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है, सभी के लिए उपयोगी है। सीटेट, रीट सभी में आपके मापन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो सभी छात्र मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक्स करें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह वीडियो बनाती रहूं। आप नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, शेयर करें। धन्यवाद।